समाजवादी पार्टी की ओर से जारी की गई लोकसभा प्रत्याशी सूची के बाद मुलायम सिंह के ही गढ़ में मुलायम सिंह का ही विरोध होना शुरू हो गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुलायम सिंह यादव को टिकट किए जाने का विरोध करते हुए प्रोफेसर रामगोपाल यादव का पुतला फूंक दिया। यह तस्वीर है और यह नजारे किसी आम प्रदर्शन के नहीं है, न ही किसी महंगाई भत्ता या किसी सरकार द्वारा दिए गए निर्देश का विरोध है, न ही किसी बयान का विरोध है। यह नारेबाजी और यह पुतला भी फूंका जा रहा है। यह पुतला समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव का पुतला है और यह सभी कार्यकर्ता भी समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता है। समाजवादी पार्टी की तरफ से मैनपुरी लोकसभा से मुलायम सिंह यादव को टिकट दिए जाने का विरोध शुरू हो गया है, यानी मुलायम सिंह के गढ़ में ही मुलायम सिंह का विरोध दिखाई दे रहा है। इन सभी लोगों की आक्रोश इस बात को लेकर है कि मैनपुरी के लोकप्रिय सांसद तेज प्रताप यादव का टिकट क्यों काट दिया गया। पुतला फूंक रहे इन लोगों का यह भी कहना है कि मुलायम सिंह यादव को तो मैनपुरी की जगह कहीं का भी टिकट दे दिया जाता, वहां से जीत जाते, लेकिन मैनपुरी लोकसभा सीट पर सांसद तेज प्रताप यादव को ही अपना उम्मीदवार देखना चाहते हैं। इसी बात को लेकर और इसी नाराजगी को लेकर आज समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रोफेसर रामगोपाल यादव का पुतला फूंक दिया। नगर के संता बसंता चौराहे पर किए गए इस विरोध प्रदर्शन के बाद क्या कुछ खना था। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और सांसद तेज प्रताप यादव के समर्थक अजीत यादव का आप खुद ही सुनिए। हम सभी युवाओं की मेन वजह यह है कि जो राष्ट्रीय महासचिव ने निर्णय लिया है, हमारे युवा सांसद युवाजनों की धड़कन माननीय तेज प्रताप जी के खिलाफ जो साजिश हुई है, 5 सालों में उन्होंने इतना काम किया है सभी जनता के लिए, बिना बिचौलिए के लोगों से मिले हैं और एक जिला नहीं, इटावा, मैनपुरी, एटा सभी की यहाँ के लोगों को लखनऊ और दिल्ली चक्कर नहीं लगाने पड़े, किसी भी समस्या का उन्होंने यहाँ बैठ के निकाला है। उसके बाद भी उनका टिकट काटा गया, जो बहुत ही उसका आक्रोश है हम युवाओं को, हमारे युवा नेता के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई है जिससे युवा तो क्या ये रामगोपाल यादव इस साजिश में क्या हस्तक्षेप रहा है इनका, क्योंकि राजनीति करते हैं और वह नेताजी को कहीं से भी चुनाव लड़ाते, नेताजी सरोपर नेता हैं, कहीं से भी लड़ते हैं। टिकट पे ही उन्होंने जो ये सब किया है वो बहुत ही गलत हुआ है, इसलिए हमने ये पुतला जलाया है।